सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी की बात है, हम लोग आज महादेव की नगरी बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोगों का पूरा टीम साथ में है। म्यूजिक डायरेक्टर राज गाजीपुरी जी है, सिंगर धनंजय, राइटर पीछे उत्पाती जी है, देखिए विजय उत्पाती है, उत्पाती जी अभी व्यस्त में बड़े हैं, लाइव में पहले आप लोग जुड़ जाइए और जितने भी जुड़े हुए सब भाई को दिल से प्रणाम है। अभी हम लोग महादेव की नगरी में सारे भाई दर्शन करने आए थे, तो यही बहाने सोचे कि हम आप लोग से भी बात भी कर ले। तो आज जीतू भैया के आईडी से हम लोग लाइव आए हैं। प्रणाम जी, महादेव, जय हो, हरे महादेव। तो बात कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। हर हर महादेव। आज बनारस में हम लोग बनारस में महादेव का दर्शन किए हैं, काशी विश्वनाथ जी का, और हम लोग सुबह सुबह निकले थे, पहुंचे हैं। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई आप लोग जुड़ जाइए अधिक से अधिक, और एक छोटा सा शेयर कर दीजिए आप लोग। मैं बता देना चाहता हूँ कि बनारस का भी ऑफिस हमारा चालू हो गया है और मुंबई का भी ऑफिस चालू हो गया है, दोनों जगह ऑफिस चालू हो गया है, और हम लोग 2-3 दिन में यहाँ का काम पूरा पटा के मुंबई आ रहे हैं। साथ हमारे देखिए दिल के टुकड़े राज गाजीपुरी जी, देख रहे हैं महादेव जैसा लग रहा है एकदम पूरा, ये देखिए बहुत कम बोलते ही नहीं है, लेकिन आज बुलवाएंगे इनसे, क्योंकि ये महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत मानते हैं। और ये देखिए आज बहुत खुश हुई हम लोगों को कि बहुत अच्छे से हम लोग दर्शन किए महादेव का, क्योंकि काफी दिन से मैं तो पहली बार आया था बनारस महादेव का दर्शन करने। काफी दिन से हम लोग बनारस में थे लेकिन दर्शन करने नहीं आ पा रहे थे, टाइम निकाल के हम लोग दर्शन करने आए हैं। अभी जाएंगे स्टूडियो पे, बहुत सारे गाने का रिकॉर्ड भी है और शूट भी करना है। आज एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं किसी के विवाद में नहीं घुसता हूँ, ना घुसूंगा, ना किसी के बारे में भला बोलता हूँ ना बुरा बोलता हूँ, क्या जरूरत है, अपने काम करिए, क्योंकि सब अच्छे होते हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो हमारे साथ क्या बुरा करेगा। बात करते हैं धनंजय धड़कन की। धनंजय धड़कन मेरे पास जब आए हैं तो उनके पास मैंने उनका जो एग्रीमेंट देखा और एनओसी देखा, एनओसी के हिसाब से मैं देखा तो अगर कोई भी देखेगा तो जरूर बोलेगा कि धनंजय अपनी जगह सही है, आरसीएम ने गलत कर रहा है, क्योंकि जब एनओसी आप दे दिए हो तो फिर आप उसको गाने से रोक रहे हो, और कहीं भी इसका गाना पड़ रहा है तो तुरंत आप स्ट्राइक मार रहे हो। अगर शायद आरसीएम वाले लोगों को पता नहीं, स्ट्राइक कोई भी मार सकता है, क्योंकि आज के जमाने में स्ट्राइक मारना कदम इजी है, तुरंत कोई भी मार सकता है।
कोई भी स्ट्राइक मार सकता है, एकदम इजी है, तुरंत मारिए स्ट्राइक, तुरंत गाना ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप रिपोर्ट करिए चाहे जो करना करिए चाहे। तो मैं जो, मेरे पास जो इनका एग्रीमेंट पड़ा है, एग्रीमेंट और एनओसी में देखा, तो एनओसी भी इनका खुद सामने से दिए है, कुमार रमेश जी का, राकेश कुमार जी का साइन भी है मेरे पास और एनओसी भी है। अब आरसीएम वाले ये बोल रहे हैं कि ये फेक एग्रीमेंट है और फेक एनओसी है। मैं अगर बोलना चाहता हूँ, अगर फेक एनओसी है तो आप जाइए केस करिए या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आप किसी सिंगर को रोक रहे हो, एक गरीब सिंगर का हक, एक गरीब सिंगर का हक मार रहे हैं। मेरा जहां तक उम्मीद है और मुझे जहां तक मानना कि बहुत गलत है, क्योंकि ये आजाद भारत है, इंसान जहां चाहे वहां अपनी मर्जी जा सकता है, जहां मन करो वहां रह सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि अभी भी आपका एग्रीमेंट है आरसीएम का, तो आरसीएम तो ये तो नहीं लिखे है ना, आप लिखवा के भी तो नहीं रखे हुआ कि आप अपने लिए नहीं कुछ कर सकते हो। इसकी लाइफ, इसकी जिंदगी अपने लिए तो कर सकता है ना। आप एक बार 2 लाख रुपए दे दिए हैं और 3 साल उससे गवा रहे हैं। आप इस सिंगर से करोड़ों रुपया कमाए हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है और पूरा सिंगर जानता है। आज आरसीएम जो कंपनी है, मुझे लगता है 3-4 सिंगर की वजह से ही आरसीएम कंपनी है। धरने धड़कन अवधेश और मिट्ठू मार्शल, यही 3-4 सिंगर ऐसे हैं कि जो आरसीएम खड़ी हुई है। सर आप इतना पैसे कमाए इन लोगों से, अब क्या चाहते हैं? इनका खून सूचना चाहते हैं कि इसका क्लीनिंग बेचना चाहते हैं? आप इसको भी जीने दीजिए और खाने दीजिए। चलिए मान लेता हूं कि अगर आपको किसी और सिंगर, किसी और चैनल को गाना नहीं दे रहा है, अपने चैनल के लिए तो गाना गा सकता है ना। मुझे भी सुनने में आया है कि आप इसका 2 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल भी ले लिए हैं, फिर भी ये चुप है। और आप कई जगह सब चैनल को मना कर रहे हैं। मेरे पास भी आपका मैसेज आया है, किसी ने भेजा चैनल के थ्रू कि धरण झड़कर को कोई भी चैनल वाला कृपया करके मत गाना गवाए। मुझे लगता है कि आप इसका सोच रहे हैं कि जैसे मिट्ठू मार्शल का करियर खराब कर दिया, वैसे सोच रहे हैं कि इसका भी करियर खराब हो जाए और घर चला जाए। भाई मैं चाहूंगा कि जितने छोटे कलाकार हैं, छोटे कलाकार की सपोर्ट करिए आप लोग। मैं अपने फेसबुक के माध्यम से मैं खुद उससे बात कराता हूं और खुद बताएगा कि उसके साथ क्या फ्रॉड किया गया है। अगर ये सही है, ये गलत है, तो आप जाके उसके ऊपर केस करिए, मुकदमा करिए। वो कोर्ट फैसला कर देगा, पुलिस फैसला कर देगा कि आप सही है कि ये गलत है। आप 3 साल में 2 लाख रुपया दिए हैं, उससे करोड़ रुपया कमाए। आपको खुद सोचना चाहिए कि चलो आज आरसीएम चैनल खड़ा हो गया, हम एक सिंगर से करोड़ों रुपया कमाए हैं और एक एक चीज मुझे बताया है कि कितने कितने रुपए में। अब दिल्ली में रहता है, अपने पैसे दे के रहता है, अपना भाड़ा किराया देता है। आप महीने का 1000 रुपया 1500 रुपया दे देते हैं, उससे रोजी रोटी चल जाएगी? जो मुझे जानते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि हम लोगों का एक एक दिन का खाली चाय नाश्ता में जाता है। हम भी ऑफिस लेके बैठे हैं मुंबई में, छोटा मोटा हम लोग डायरेक्टर हैं, बड़ा डायरेक्टर नहीं, बहुत छोटा मोटा डायरेक्टर हैं। इतना रोज का खर्चा होता है और आप एक सिंगर को भी, स्टार सिंगर, पूरी इंडस्ट्री इसको जानती है, बहुत सारे गाने हिट दिए हैं, उसके बावजूद भी आप इसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं बेचारा कि ये ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं कि कल रो रहा था और सोच रहा है कि क्या करूं भैया मेरे। आप इतना भी टॉर्चर मत कर दो कि एक कलाकार मरने पर मजबूर हो जाए, सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। मेरे पास भी पेपर है, वो पेपर खुद लेके आया है और मुझे दिखाया सारा पेपर। पेपर मैंने देखा था, पेपर में तो सॉरी भाई लोग, मैं कमेंट आप लोगों का नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अगर किसी कमेंट नहीं पढ़ पाए तो इसके लिए आप लोग सॉरी, बुरा मत मानिएगा। मैं अभी आपको धरंजे के मुंह से खुद बता, वो खुद बताएगा कि इसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है और इसके साथ क्या हुआ है। धरंजे, धरंजे,
ये बताओ, आप सारी बात बताओ फेसबुक पे। किसी को कोई गाली नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं करेगा, मुद्दे की बात करेंगे। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, सामने गवाह है, ये खुद ये तो बताएगा ना आप लोगों को, पूरी पब्लिक के सामने बताएगा ना कि गलती क्या है, सही क्या है। जितने भाई जुड़े हैं सबको दिल से प्रणाम है मेरा। और रही बात RCA म्यूजिक का और मेरा एग्रीमेंट के बीच, तो पहली बात बता दूं कि NOC तो बहुत दूर की बात है, मेरा एग्रीमेंट ही खत्म हो चुका है। अब उस पेपर का कोई मतलब ही नहीं होता, NOC रहे या ना रहे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी वो हाथ धोके पड़े हुए हैं मेरे पीछे कि तुमको मैं उठाया हूं तो मैं ही तुमको यहां से बर्बाद करके घर पे भेज दूंगा। जैसे तुम आया था वैसे तुम चल भेज देंगे जाके घर पे अपने रहना, ऐसा नहीं होता है। और उनको जो लग रहा है कि हमको करियर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको कितना कुछ कर लेंगे तो मेरा वो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक पब्लिक का सपोर्ट है मेरा, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं जिनको हम बड़ी सम्मान करते थे और सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई मिठू भाई हैं, आज मेरे खिलाफ ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। वो अपने आप को अंदर झांक कर देखिए ना कि आप पहले क्या थे, मिठू मार्शल थे। आपको बिहार में या कहीं भी आपका कितना सुपर डुपर वेब से लेकर हर कंपनी से कहना जाता था कि थर्मामीटर से लेकर कितना गाना सुपर डुपर हिट गया, आज आपका लेवल ये नहीं है। जैसे कि नए नए कलाकार अभी देख रहे हैं, 2 महीने 4 महीने नहीं बज रहा है, फिर भी वो उनका उन लोगों का वीडियो, उन लोगों का गायकी, उन लोगों का ऑडियो किस तरह से बन रहा है, कितना बढ़िया कितना बेहतरीन बन रहा है। आज वो यहाँ नहीं, कहीं कुछ करने पर लगा हुआ, कुछ सोच रहा है कि आगे जिंदगी के बारे में। और ये पहले के सॉरी तरफ फोन आ गया था, तो मिठू भाई के इतना गाना हिट हुआ, बताइए इतना हिट पर ही जितना गाना दिए हैं, फिर भी उनके लिए RCM क्या कर दिया, बजवाया तो नाम तो दिया लेकिन नाम भी खा कर उनको छोड़ दिया। इतना समझदारी उनको नहीं है कि साला मुझे कहाँ ले आकर, कहाँ थे हम, कहाँ उठा कर पटक कर छोड़ कर चला गया। और फिर भी उतना हो जाने के बाद भी वो चाह रहे हैं कि शायद उनको, हमको लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आगे बढ़ जाए, कि कोई हमसे अलावा कोई आगे बढ़े मेरे अलावा भी, ऐसा नहीं है। आप खुद आप सोचिए कि इतना बढ़िया आप बच रहे थे, इतना मार्केट में नाम था, बवाल मचा रहे थे, आज 5,000 रुपये में गाना कोई आपका नहीं खरीद रहा है ऑडियो वीडियो। आप अपना लेवल नहीं देख रहे हैं, लेवल इतना सुंदर इतना बेहतरीन बना के रखे थे, इतना नाम था आपका, लेकिन लोग आजकल के कलाकार को 10,000 रुपये दे दे रहा है ऑडियो वीडियो, यही कहते दे दीजिएगा हमको, व्यू जाए या ना जाए उससे कुछ को मतलब नहीं है कंपनी वालों को, लेकिन आपका तो वो भी नहीं दे रहा है। आप नहीं समझ रहे हैं, आप मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं तो धनंजय गलत है, भाई हम गलत है, मान लेते हैं हम गलत है, हमारी पेपर गलत है, वो NOC भी गलत है, मेरा एग्रीमेंट का पेपर भी गलत है, और जो मैं 3 साल से सापा गा रहे हैं लगातार पूरा पब्लिक जानता है, वो कैसे गलत हो जाएगा। ये सब तो पेपर ऊपर साइन हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, चलिए बात की बात है, पब्लिक के बीच की नहीं है। और जो हम 3 साल से गायकी कर रहे हैं वो तो साफ हुआ पब्लिक के बीच में है, हम कितना ज्यादा 3 साल से लगातार RCM के लिए गा रहा है, तो लोग कितना किसको दबाएगा, अगर आप ही लोग विचार करेंगे। और मैं क्या कहूँ, और अब चलिए हम कहीं और कंपनी के लिए अभी नहीं गए, उनका कहना है कि 6 महीना मेरा एग्रीमेंट है नहीं भैया, सीधी सी बात है, 3 साल में 2,00,000 रुपया दिया था पार्टी, बताइए, झाड़ू पोछा मारने वाले को उतना पैसा नहीं मिलता है, उससे बेहतर उससे ज्यादा मिलता है, 15-20 हज़ार का महीने मिल जाता है, और जोड़िएगा तो 7,000-8,000 महीने का हमको पड़ेगा। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, उस पेपर 2,00,000 रुपया जो दिया था हमको पेपर पर बनवाया पार्टी कि भाई तुम हमसे पैसा लिए हो 2,00,000 रुपया, तो तुम दोगे ना हमको साइन करके यहाँ पे,
तुम उसका प्रूफ दोगे ना पैसा लिया? हाँ दे देंगे भाई, पैसा लिया तो लिया है। अब उनको हम उनका पैसा वैल्यू है, मतलब ये कोई बात हुआ है? आप ये नहीं ना कि आप अगर एग्रीमेंट किया तो मेरा जिंदगी लिखा लिए हैं भाई। आपका जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट था मैंने खत्म कर दिया, 3 साल का एग्रीमेंट था, 2018 में मैंने एग्रीमेंट किया था। सॉरी नेटवर्क का प्रॉब्लम है तेरा। तो चलिए हम मानते हैं कि हम अदर कंपनी के लिए नहीं गा सकते, उनका कहना है भाई, तो हम अपने चैनल के लिए तो गा सकते हैं ना। ये थोड़ा ये है कि अगर हम कमाने जा रहे हैं तो आपको कमा के लिए खिला देंगे, हम भूखे सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने लिए तो कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने के लिए कर सकता हूँ, किसी को नहीं दूंगा तो। लेकिन उसमें भी आप स्ट्राइक मार रहे हैं भाई, अगर स्ट्राइक मारना है अगर स्ट्राइक की बात है तो चलिए स्ट्राइक खेलते हैं, आप भी मारिए हम भी मारेंगे। 500 कंपनी को गाना देंगे, 500 कंपनी हम फ्री में गाना देंगे, खाली ऑडियो वीडियो करके देंगे हमको। कंपनी वालों को बोल देंगे कि हमको ऑडियो भी दीजिए, चढ़ाइए जाइए, 500 कंपनी को गाना देंगे, 500 गोरा का स्ट्राइक मारिए। किसे मारते हैं? अगर 500 गोरा एकम को गिन के मार दिया, आरसीएम था भूतकाल में चल जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा। इस तरह से धनंजय निकला साथ साथ वो भी खत्म हो गया वहां से। तो अब आप लोग तो खुद भगवान है, जनता जनार्दन है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि क्या किया जाए। हम लोग तो अब कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं उनके। अब लेकर 2-4 को चैनल बैठे हुए हैं, चैनल क्या बैठे हुए हैं, 7 लाख सब्सक्राइबर, तो हम लोग जैसा सारा गायकी कह के 8-9 मिलियन 500 चैनल का बना दिए हम लोग। आज तो उनको खुश होना चाहिए कि धनंजय जा रहा है, उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो खुशी उसको भेजना चाहिए, कुछ विदाई करना चाहिए कि मेरे कंपनी के कलाकार कहीं जा रहा है तो वो आगे बढ़े। लेकिन नहीं, उनका वो सिद्धांत नहीं है। यहाँ गा के यहाँ कर दिया, अब यहाँ से कहीं दूसरे का ना उठाए, ना खुद उठे, यहाँ से उजाए तो बर्बाद होकर जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारे पूजनीय राकेश कुमार सर, आरसीए म्यूजिक का मालिक, अगर आप इस लाइव को देख रहे होंगे या देखेंगे, तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि आप इस तरह से मुझे टॉर्चर ना करें कि मैं मजबूर हो जाऊं और गलत कदम उठाने के लिए मैं कुछ अलग अलग करने लगूं। काहे कि अब हम नहीं चाहते कि देखिए आपसे रिश्ता बिगाड़े चाहे कुछ भी करे, लेकिन आप मेरे क्या है कि जो आप सारा अपना काम धंधा छोड़ के आप मेरे हाथों में पीछे पड़े होंगे। आप कंपनी वालों लोग को फोन करके बोल रहे हैं, अरे क्या धनंजय को गवाएंगे, धनंजय जैसे 10 को लगा दे देते गवाइए ना। अगर धनंजय जैसे 10 को लगा के किसी कंपनी को दे रहे हैं तो आप अकेले धनंजय धरने के पीछे क्यों पड़े हुए? जाइए 10 को लेके आप कमाइए ना, खाइए पियास कीजिए, एंजॉय कीजिए, है कि नहीं? जब मेरे बराबरी के 10 को लेके आप दे रहे हैं कंपनी वालों को, तो आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं कि आप मेरे पीछे पड़ेंगे? हेलो, यही बात है। तो मैं कुछ क्या बोलूँ, आप जितने भैया बताएंगे हमारे। चलिए देख लीजिए, पूरी सच्चाई आप लोग जान चुके हैं और मैं एनी टाइम इसके साथ खड़ा हूँ। मेरे से जितना होगा उतना मैं इसके लिए करूँगा, जितना सपोर्ट होगा मैं करूँगा। मैं ही नहीं, साथ में मेरा भाई एक है दिनेश यादव, ये भी सपोर्ट करेगा। म्यूजिक डायरेक्टर राज गाजीपुरी जी हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो भी भाई है सब सपोर्ट करें यार भाई। एक कलाकार को उस लेवल पर जाने के लिए सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिलना चाहिए, मेरा एक अनुभव है, करना चाहिए। मैं भी आज भोजपुरी में सारे सुपरस्टार लोगों के साथ काम किया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर ना ईगो है ना घमंड है, और ना ही मेरे से किसी से कोई दुश्मनी है। आज तक मैं किसी रोज फेसबुक पर भोजपुरी में आके इसकी माँ बहने करते हैं सब, उसकी माँ बहने करते हैं सब, इतना गाली देते वो गाली देते, फलनवा का करते वो करते, आज तक मैं कभी भी फेसबुक पे किसी के स्टार के बारे में चाहे किसी छोटे कलाकार के बारे में न कभी कमेंट किया हूँ, न कभी लाइक करता हूँ, और ना ही मैं सपोर्ट किया हूँ, और ना ही मैं कभी उन लोगों के बारे में कुछ खिलाफ बोला हूँ। इंडस्ट्री की मेरे बहुत सारी बातें मुझे पता है, मेरे सामने से होती है, मैं अपनी आंखों देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं
चुप रहता हूँ जानबूझ के, क्या जरूरत है किसी की इमेज खराब करने से, चाहे किसी के बारे में क्या मिलेगा मुझे, नहीं बोलता हूँ। लेकिन एक गरीब लड़का है, बहुत गरीब लड़का, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं यकीन है तो इसके घर पे जाके देखिए क्या है। अगर बहुत परेशान है, बहुत परेशान होकर मुझे फोन किया तो मैं बोला बाबू तुम आ जाओ, मेरे से जितना सपोर्ट होगा मैं करूँगा। अभी हम लोग बनारस में हैं और बनारस से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, माता रानी के दुआ से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द बहुत बड़ा ब्लास्ट करेंगे। दिनेश भी है, फिलहाल में मेरा एक चैनल बना था, कल ही रात को बनाए थे हम लोग धनंजय धड़कन ऑफिशियल, 0 सब्सक्राइब था चैनल का, और उसमें गाना डाले हम धड़कन का दिल, और गाना बहुत ही अच्छा रिस्पांस देना चालू कर दिया, 0 सब्सक्राइब, समझिए कि 3 से 4 घंटा में ऑडियो का 4 लाख 3 लाख 3.5 लाख व्यू चला गया था 0 सब्सक्राइब पे, 4 घंटा के अंदर में, 4 घंटा के अंदर में तब तक वो ब्लॉक मार दिए, स्ट्राइक मार दिए राकेश कुमार। अब बताइए, उनका तो खुद चैनल बैठले हुए है, हम लोग मेरा भी जिंदगी बैठाने की चक्कर पर, वो उनका कहना है कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग का कुछ हुआ नहीं है, ना आप सही से गए हो, ना मेरा कंपनी चल रहा है। भाई आपका कंपनी चले या ना चले मुझे उससे क्या मतलब है, आपका कंपनी नहीं चलेगा तो हम आपके कंपनी का ठेका लेकर बैठे हुए हैं क्या, कि बढ़ाएंगे आपके कंपनी का उठाएंगे, एग्रीमेंट खत्म होगा तभी हम कंपनी में लॉस जाएगा, कि नहीं चलेगा तभी हम गाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप कमाइए या बर्बाद होइए, उससे मुझे मतलब नहीं है, जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था मैंने गाया, अब नहीं है तो नहीं गाएंगे, बात खत्म। चलो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग स्टूडियो आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो में, कुछ गाना वाना गाना है बहुत सारे, और मिलते हैं। ये सच्चाई थी, आप लोग सच्चाई जान चुके हैं, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका सपोर्ट करिए, प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए। मिलते हैं, नमस्कार, प्रणाम। अगर जो भाई का कमेंट मैं नहीं पढ़ा उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं था मुझे, जो सच्चाई थी वो बोलने आया था, बोल दिया। नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरिया समाज।